हेलो फ्रेंड्स, जस्ट ऑटो के एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में डायग्नोसिस करने के लिए एक और एक टूल के बारे में आपको बताना चाहते हैं, जिस टूल का नाम है जी ऑटो प्रोब। ये है जी ऑटो प्रोब जो आप देख रहे हो। इस टूल की मदद से आप इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत कम से कम समय में और आसानी से आप चेक कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो कम से कम समय में पता लगाने के लिए हमारे पास टूल है, जिसकी मदद से हम बहुत सरलता से डायग्नोसिस कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी हमारा वायरिंग है, सेंसर है, एक्चुएटर है, वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सरलता से पता इस टूल की मदद से हम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस टूल का यूज़ कैसे करेंगे। इस टूल की मदद से हम तीन तरीकों से, एक टूल बेहतरीन इसके लिए है कि तीन तरीकों से हम चेक कर सकते हैं, जिसमें हमें वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल, ये तीन तरीकों से टूल की मदद से हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर हमारा, आप देख रहे हो, एक तीन वायर वाला सेंसर है जो आप देख रहे हो। तो ये तीन वायर सेंसर में कौन सा सप्लाई है, कौन सा ग्राउंड है और कौन सा सिग्नल है, वो अगर हमें चेक करना है, वो वायरिंग सही है या सेंसर सही है वो चेक करना है, तो चेक करने के लिए टूल हमें बहुत सरलता से चेक करने में हेल्प करेगा। तो आइए हम देखते हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं टूल की मदद से। नेगेटिव कनेक्शन हम कर रहे हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अभी आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर पहले आपको एक बार चेक करके दिखाए कि अभी वोल्टेज, तो ये आपको वोल्टेज दिखा रहा है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर अभी हमारे तीन वायर वाला सेंसर है, जिसमें लेफ्ट साइड से हम देख रहे हैं व्हीकल का इग्निशन अभी ऑफ है। इस ऑफ कंडीशन में हम देख रहे हैं प्रॉपर। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि रीडिंग कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब ये अभी डिसकनेक्टेड है। अभी जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक लॉजिक से काम कर रहा है, 0 और 1। तो यहाँ पर 0 आएगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 0 हमें दिख रहा है। सेकेंड नंबर की पिन में अभी इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो 0.12 दिख रहा है हमें। थर्ड नंबर की पिन में यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी 0 देख रहा है, मतलब सर्किट पूरी है। अभी हम इग्निशन ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन कंडीशन में रिटर्न हम फिर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट कब करेंगे, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर देखो वोल्टेज हमें दिख रहा है 4.95 वोल्ट दिख रहा है। बीच वाली पिन में दिख रहा है सेम वोल्टेज हमें दिख रहा है। थर्ड नंबर की पिन में हम देखेंगे, जिसमें हमें बता रहा है 0। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम व्हीकल को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो व्हीकल को, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से चेकिंग करना चालू किया हमने, यहाँ पर आपको रीडिंग दिख रही है 4.9। सेकंड नंबर की पिन में अभी हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है 4.9। थर्ड नंबर की पिन में हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है 0। तो ये अभी हमने वोल्टेज चेक किया। अभी हम हर्ज पर जा रहे हैं, तो अभी आप देखोगे हर्ज का रीडिंग, जिसमें फर्स्ट नंबर लेफ्ट साइड से फर्स्ट से फिर से चालू किया हमने, यहाँ हमें दिख रहा है 0। सेकेंड नंबर की पिन में भी देखेंगे रीडिंग हम, जिसमें हमें हर्ज दिखेगा जो हमें 7.6767 रीडिंग दिख रहा है। थर्ड नंबर की पिन में हम देखेंगे अभी, जिसमें हमें 0 दिख रहा है। अभी हम शिफ्ट करेंगे ड्यूटी साइकिल पर, जिसमें फिर से फर्स्ट नंबर की पिन से हम चालू करेंगे लेफ्ट साइड से, जिसमें यहाँ पर हमें दिख रहा है 0। बीच वाली पिन में देखेंगे अभी हम, तो बीच वाली पिन में हमें रीडिंग दिख रहा है 91, 93, है ना, फ्लक्चुएट हो रहा है 91, 92, 93। थर्ड नंबर की पिन में अभी देखेंगे हम, यहाँ पर हमें दिख रहा है रीडिंग 0। तो ये हमारा ड्यूटी साइकिल था। तो तीनों रीडिंग हमने चेक कर लिए, वोल्टेज चेक कर लिया, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेक कर ली और ड्यूटी साइकिल चेक कर ली। तो इसमें भी हम देखेंगे कि अभी सेकंड नंबर में जो पिन लगाई थी हमने और हर्ज में हम देख रहे, तो वहाँ पर हमें 7 रीडिंग जो दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड नंबर वाली जो पिन है वो हमें सिग्नल दे रही है, तो वो सिग्नल की पिन है। अभी हम गाड़ी को थोड़ा रेस करके देख रहे हैं, तो जैसे ही व्हीकल के आरपीएम हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ए रीडिंग भी देखो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, अप हो रहा है। तो जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेंगे, ए रीडिंग भी हमारा अप होता जा रहा है। अभी आइडल कंडीशन में रिटर्न ला दी हमने, तो यहाँ पर फिर से हमें हमारा रीडिंग जो था 6-7 का वो दिख रहा है। तो ये जो बीच वाली पिन पर हमने रीडिंग पाया हर्ज का, उसका मतलब ये होता है कि जो ये हमारा सेंसर है, जो ये सेकंड वाली पिन हम देख रहे हैं 7 हर्ज का रीडिंग जो हम देख रहे थे, वो सिग्नल दे रहा है ECM को। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा, ये सेंसर हमने चेकिंग किया 3 वायर वाला। तो यहाँ पर जो सेकंड पिन में हमें जो रीडिंग मिला, उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है कि वायरिंग और ये जो सेंसर है वो करेक्ट काम कर रहा है। तो कम से कम समय में और सरलता से टूल्स की मदद से हम कोई वायरिंग सही है कि नहीं है,
सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इवन अगर एक्चुएटर को भी हमें चेक करना होता तो इसी टूल की मदद से वो भी हम कर सकते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम सेंसर्स, एक्चुएटर्स और वायरिंग हम ये टूल की मदद से चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें जस्ट ऑटो सॉल्यूशंस।